तुम वहां आ गए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। नहीं जुई, मुझे यकीन है अगर मैं वहां नहीं आता तो तब भी तुम उनकी बात समझ जाते। शायद, फिर भी राहुल तुमने आके सब कुछ संभाल लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने बात की? किससे? किसी से नहीं, शायद वो बात इतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तुम्हें याद ही जो नहीं। I'm sorry, जुही, पता नहीं मेरा दिमाग आज कहाँ है। खैर, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। राहुल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। राहुल, पता है ये कुछ नहीं ना बड़ी अजीब प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स खुद अपना इलाज नहीं कर पाते। मम्मी, मुझे लगता है कि मैं और जुही कभी साथ नहीं रह सकते। क्यों? किसी जोशी ने बोला क्या? नहीं मम्मी, आई एम सीरियस। पापा ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हार्ट इंस्टीट्यूट में लगा दी है। तो उसका मतलब कि अब उनका सब कुछ चोपड़ा अंकल के हाथ में है। लेकिन तू उनसे बात भी तो कर सकता है। मम्मी, जब मैं सिमरन से बात नहीं कर सका तो उनसे क्या बात करूंगा। लेकिन राहुल, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाय राहुल। हाय ओमी। हाय सिमरन। राहुल देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। आई विल सी यू लेटर। ये ओमी को क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे काम करने आते हैं सिमरन, और हर वक्त तुम्हारे बचपन अच्छा नहीं लगता है। आज के मेरा बर्थडे है या कोई खास दिन, तो फिर ये गिफ्ट किस लिए? प्लीज, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। एंड फॉर गॉड सेक सिमरन, तुम भी अपने काम पे ध्यान दो। राहुल, मुझे सब समझ में आ गया है, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। राहुल, मेरी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई हैं, मैंने उसे अपनाना सीख लिया है। पता नहीं क्यों मैं फिर से सपने देखने लगी। राहुल, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात, राहुल मुझसे कभी झूठ मत बोलना। जुही प्लीज, बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नहीं समझता है, ना तुम, ना सिमरन, ना कोई और। जुही, प्रॉब्लम मेरे घर में है, तुम्हें कैसे बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है? बस इतना समझ लो कि कुछ ऐसा हो गया कि उनकी और अपनी खुशी के बीच मुझे किसी एक को चुनना होगा। जुही, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, राहुल के बारे में। मुझे लगता है कि हमने सगाई करने में बहुत जल्दबाजी कर ली। मुझे अब पता चला कि राहुल क्या सोचता है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जुही, क्योंकि बात बात पर वो मुझ पर गुस्सा हो जाता है। जुही, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं ना, इसीलिए शायद तुम्हें नहीं पता कितनी तकलीफ होती है जब कोई अपना ऐसे दिल तोड़ता है। मेरी क्या गलती है? यही ना कि मैंने बचपन से लेके आज तक सिर्फ उसी को चाहा, और उसे देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत। जुही, क्या मेरा खुश होना गलत है? सिमरन, ऐसे मत सोचो, राहुल तुम्हीं से प्यार करता है, मुझे मालूम है। उसने कहा ऐसे तुमसे? हाँ हाँ सिमरन, छोटे छोटे झगड़े तो सबके बीच में होते रहते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं। पता है, जब भी तुम दोनों को कोई साथ में देखेगा तो यही कहेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सच में जुही, जुही, मैं राहुल के बिना नहीं रह सकती, और वो तुम्हारे बिना।
जूही, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे कुछ भी कहना हो प्लीज कहना। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। आई जस्ट विश किसी दिन मैं भी तुम्हारे काम आ सकूं। इट्स ओके सिमरन, तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर सिमरन वार्ड नंबर 5 में तुरंत पहुंचिए। डॉक्टर सिमरन वार्ड नंबर 5 में तुरंत पहुंचिए। मैंने रात भर बहुत सोचा, मैं इस तरह नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। राहुल अब उस बात का कोई फायदा नहीं है। नुकसान और फायदे का मुझे नहीं पता, यही सच है और ये सच सिमरन को समझना होगा। कच्चू, तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे ना? मुझे पता है। और राहुल, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं होंगी। रियली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ए, तुम्हारे लिए है, रखना तो पड़ेगा ना। थैंक्स सिमरन। जूही, मुझे तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि अगर मेरे और राहुल के बीच में कभी कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो तुम मुझे जरूर हेल्प करोगी, है ना? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? राहुल, अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी भी तो ये सिमरन के साथ धोखा होगा। और मेरे साथ? अपने आप के साथ भी तो धोखा ही होगा अगर अपने प्यार के बारे में झूठ बोलेंगे तो। प्लीज राहुल, सिमरन को मुझ पर बहुत भरोसा है। लेकिन तुमको मुझ पे कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है राहुल। ठीक है, तो फिर थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक करने की दोबारा कोशिश करूंगा। और तब तक कोशिश करूंगा जब तक तुम हमेशा के लिए मेरी नहीं हो जाती। क्या आज शाम को हॉस्पिटल के बाद मुझसे मिलोगी? प्लीज। हाय जूही। हाय राहुल। हाय सिमरन। ये क्या, गिफ्ट अभी तक नहीं खोला? सॉरी सिमरन, खोलना भूल गया। नो प्रॉब्लम, मैं खोल देती हूँ, यू माइंड? कैसा लगा, पसंद आया? इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी इसे देखना तो ये याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी का हर पल अब मेरा है। आज शाम को क्या कर रहे हो, मूवी देखने चलोगे? नहीं सिमरन, थोड़ा बिजी हूँ। कम ऑन राहुल, प्लीज। प्लीज सिमरन, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी। राहुल, हम हमेशा काम करते रहते हैं। नहीं सिमरन, आज कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी। ओके। थैंक्स सिमरन। राहुल, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? जूही, जूही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम्हें घर छोड़ देता
राहुल और जूही साथ में कहाँ जा रहे हैं? उसने तो मुझे कहा था कि हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।